नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाई, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है, इसलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए दो सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उन्होंने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डर कर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहे तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। यह बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उन्हें जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ। दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए। वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए। वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वह तुमको मार कर खा जाएगा। बैल को यह जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देख शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं।